ठीक है, तो ये जो स्टंटिंग करते हैं एंजियोप्लास्टी, हाँ जी बिल्कुल, इसी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो ये अब स्टंट एक पेशेंट को डाला है जी जी कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन ने, तो ये कितना टाइम तक मतलब वायबल है, कब मैं चल सकता है? आपकी दोनों बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखें, दिल की तकलीफ के तीन तरह के इलाज हैं। दिल की तकलीफ में दवा भी देते हैं, दिल की तकलीफ में जैसे ये मैंने आपको कहा है कि स्टेंट भी डालते हैं और उसमें ऑपरेशन बाईपास भी करते हैं। जो दवा से इलाज है वो फिजिशियंस और सर्जन्स दोनों कर सकते हैं, आमतौर पे ये फिजिशियंस का काम है। और जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डालना है ये काम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। तो आम तौर पे जब हार्ट अटैक होता है आपको आम तौर पे अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और अब पिछले तकरीबन 10 साल से सारी दुनिया में ये इस बात इस उसूल को मान लिया गया है कि हर मरीज़ जिसको भी ये कॉरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो और जब उसकी एंजियोग्राफी हो तो उस वो एंजियोग्राफी ये फैसला करने का मौका मुहैया करती है कि अब आगे उनका इलाज दवा से होना है या स्टेंट से होना है या सर्जरी से होना है। तो ये फिर कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन की टीम मिल के ये फैसला करती है मरीज़ के हक़ में कि दोनों चीज़ों में से क्या चीज़ बेहतर है। मरीज़ों को इस बात पे ज़रूर इसरार करना चाहिए और उनके लिए ये अहम बात है कि एक कार्डिक सर्जन और एक कार्डियोलॉजिस्ट मिल के उनकी एंजियोग्राफी का फैसला करें और एक दफ़ा ये तय कर लें कि उनकी बीमारी किस तरह की है और इस वक्त क्या करना चाहिए। पेशेंट को कैसे ये अंदाज़ा होगा कि ये जो है ना मेरे साथ मेरा ट्रीटमेंट ठीक हुआ है? बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि दो तीन अहम बातें हैं। जो कॉरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है इसकी शिद्दत के लिए दो चीज़ों के ऊपर हम फैसला करते हैं। एक तो ये है कि दिल की तीन खून की नालियाँ होती हैं, तो हम ये देखते हैं पहली शिद्दत की निशानी यह है कि उसमें से सिर्फ एक नाली में तकलीफ़ है या दो नालियों में तकलीफ़ है या तीनों में तकलीफ़ है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंगल वेसल डिज़ीज़ है या टू वेसल डिज़ीज़ है या थ्री वेसल डिज़ीज़ है, ट्रिपल वेसल डिज़ीज़ है। दूसरा जो अहम पैरामीटर है या दूसरी अहम जो निशानी है या जो हम चीज़ देखते हैं वो ये है कि दिल की जो ताकत है उसमें कोई कमी तो नहीं हुई। बाज़ औक़ात वो कमी आर्जी होती है, जब हम उसको फ़ौरन ट्रीट कर लेते हैं तो फिर वो कमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है और हार्ट अपनी नॉर्मल शक्ल में अपनी नॉर्मल कैपेसिटी को वापस हासिल कर लेता है और वो सारी उम्र नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकते हैं। तो ये दो अहम बातें हैं कि कितनी खून की नालियाँ हैं जिनमें तकलीफ़ हुई है और दिल के जो काम करने की ताकत है वो नॉर्मल है या वो नॉर्मल से कम हो गई है। तो जो खून की नालियाँ जब कम या यानी जब वो तंग होती हैं या उसमें खून नहीं गुजरता तो उनकी वजह से दर्द होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, दर्द उनकी वजह से होता है। लेकिन जो सांस ख़राब होती है वो आमतौर पे दिल की ताकत कम होने से होती है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें और इन दोनों अलग अलग बातों पे हम अपने सारे फैसलों का इन्हिसार रखते हैं, क्योंकि इन दोनों बातों से आपकी ज़िंदगी मुंसलिक है या आप ये कह सकते हैं हमारा ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। और हम कभी भी ये नहीं कहते कि यानी हम ज़िंदगी या मौत के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं करते, सिर्फ हमारा इल्म हमें ये बताता है कि अगर एक खून की नाली बंद हो तो आम तौर पे ये लोग ज़्यादा लंबा अरसा ज़िंदा रहते हैं उन लोगों की निस्बत जिनकी दो खून की नालियाँ बंद हो जाएं, और उनसे कम वो ज़िंदा रहते हैं जिनकी तीनों खून की नालियाँ बंद हो जाएं। सेवेरिटी बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, तो शिद्दत बढ़ती जाती है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जाती है। तो एक आम रूल ये है, ये सारी जो हम इलाज की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उनमें से ज़्यादातर गाइडलाइंस अमेरिका और यूरोप की बनाई हुई हैं, उनकी पॉपुलेशन में और हमारी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है।